नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखेंगे 100 शहरों की 100 खबरें। शुरुआत करेंगे महाशिवरात्रि की खबरों के साथ। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय भी आज अलग अलग अंदाज में दिखे। हाजीपुर के पातालेश्वर मंदिर से शिव की बारात निकाली, जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने खुद की। बैलगाड़ी पर चढ़कर खुद ही सवारी करते हुए इस दौरान शहर के कई इलाकों से होते हुए कचंगी फील्ड पहुंचे। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में शोभा यात्रा निकाली गई। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। छपरा के बनियापुर प्रखंड के बेरुई गौरी शंकर महादेव मंदिर में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे। पूरे परिवार के साथ पहुंचे सांसद ने भोलेनाथ की आराधना की और देश की तरक्की। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे पूरे परिवार के साथ पहुंचे सांसद ने भोलेनाथ की आराधना की और देश की तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान सांसद ने यह भी कहा कि अयोध्या में शीघ्र ही राम मंदिर बनेगा। बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु उमड़े। भोले के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा। शिवरात्रि के मौके पर सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की और भोले के जयकारे लगाए। महाशिवरात्रि को लेकर राजा बाजार खाजपुरा शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के श्री केदार गांव में भी भव्य मेले का आयोजन किया गया। बाबा श्री केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हजारीबाग बुधवा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे। श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए कतारों में लगे रहे। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में शिवरात्रि को लेकर खास तैयारी की गई। यहां शिवरात्रि के दिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आते हैं और शाम को शिव बारात भी निकलती है। पटना में कृषि वानिकी समागम में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई मंत्री शामिल हुए। कृषि वानिकी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर विमर्श जारी है। 3 महीने में एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी बनेगी। पटना में रावड़ी आवास पर आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। उपचुनाव में सीटों पर और उम्मीदवारों के साथ पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। वीसी राजबिहारी सिंह को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश। हाईकोर्ट ने पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन को एकेडमिक कैलेंडर नहीं पेश करने पर लगाई थी फटकार। जेडीए प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के नाम एक और चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरजेडी पर अल्पसंख्यकों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अल्पसंख्यक का राग आरजेडी के लोग अलापते हैं, लेकिन सत्ता में रहकर आरजेडी परिवार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। नीरज कुमार की चिट्ठी पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। नीरज कुमार ने चिट्ठी के जरिए जहां अल्पसंख्यकों के लिए राबड़ी शासनकाल में किए गए काम पर सवाल खड़े किए, तो वहीं शिवचंद्र राम ने नीतीश शासन में दलितों के लिए काम पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सदानंद सिंह का शिवानंद तिवारी को जवाब, कौन नीतीश के साथ जाएगा और कौन आरजेडी के साथ ये मुझे मालूम नहीं। कांग्रेसी होने के नाते धरातल कमजोर होना कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आम कांग्रेसी भभुआ से चुनाव लड़ने के पक्ष में। मीडिया में बयानबाजी से बचने की कांग्रेस नेताओं को राबड़ी की सलाह, कहा उपचुनाव के संदर्भ में मिलकर कई बातें। कांग्रेस प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी की रसिया, चुनाव को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं, आपस में बैठकर बात हो जाएगी। राबड़ी देवी की बात से सहमत, बिना मतलब बयानबाजी सही नहीं, नेताओं को संयम रखना चाहिए, चुनाव की तैयारी हम भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर साधा निशाना। पटना में मंगल पांडे ने कहा तेजस्वी की यात्रा में लोग नहीं जुट रहे हैं। जिस उद्देश्य से वो लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए निकले थे, उसे जनता ने नकार दिया है। जनता समझ चुकी है कि लालू जी कोई स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अररिया लोकसभा और भभुआ जहानाबाद विधानसभा सीट पर मतदान होना है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगी। वहीं 23 फरवरी नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। इन सभी सीटों पर 11 मार्च को वोटिंग और 14 मार्च को वोटों की गिनती होगी।
जहानाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय स्थित नामांकन कक्ष के बाहर पुलिस की सुरक्षा काफी सख्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना विश्वविद्यालय के चुनावों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए पुलिस ने पीर बखोर थाना इलाके में वाहनों की जांच की। एसएसपी आदेश के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उपचुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच संग्राम तेज हो गया। सदानंद सिंह ने जहां भभुआ सीट पर कांग्रेस के दावे की बात की है, वहीं आरजेडी ने उनके दावे को नीतीश गुट से जाने पर जोर दिया है। खगड़िया के पैतृक गांव ब्रह्मा में पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मुन्ना, अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए आरा के लाल मुजाहिद का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा पटना। शहादत पर सीएम ने जताया शोक। भोजपुर के पीरों से शहीद जवान मुजाहिद खान के शहीद होने पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि देने का भरोसा दिया है। जी बिहार झारखंड की एलईडी वैन आज भागलपुर पहुंची। यहां सैकड़ों लोगों ने इस मुहिम की सराहना की। घूरन पीर बाबा चौक पर सैकड़ों लोगों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ऑनलाइन शपथ पत्र भरकर मुहिम से जुड़े। पटना में दुकानदारों ने नगर निगम कर्मियों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल नाला रोड के दुकानदारों ने नगर निगम कर्मियों पर आरोप लगाया है कि बिना पैसे के कर्मचारी कचरा नहीं उठाते हैं, जिससे गंदगी का अंबार लगा रहता है। छपरा में सड़क पर हाई वोल्टेज तार गिरने से एक बाइक धू धू कर जल गई। हादसे में एक महिला भी जिंदा जल गई। डेरने में बिजली का तार टूटकर बीच सड़क पर जा गिरा। नवादा में अवैध तरीके से बालू खनन को लेकर ग्रामीणों ने नवादा जमुई पथ को जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बालू के ठेकेदार सकरी नदी से गलत तरीके से और मनमाने ढंग से बालू का उठाव कर रहे हैं। खगड़िया में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस बाल बाल बची। चैधा बन्नी हॉल्स के पास रेल पटरी टूटी। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला हादसा। पटना में युवती ने खुद को लगाई आग। गंभीर तौर पर जलने से युवती की हुई मौत। मानसिक रूप से बीमार थी युवती और किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। पहले भी कर चुकी है आत्महत्या का प्रयास। जहानाबाद के भेलावर ओपी के मई हॉल्ट के पास कोहरे के कारण एक बस हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों से भरी बस ने आगे जा रही ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक के पास NH-28 से दो लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अजय कुमार पटेल और वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है। मृतक वीरेंद्र यादव सहदुल्लापुर पंचायत के पूर्व सरपंच भी थे। गया के जीबी रोड स्थित प्रधान डाकघर में पासपोर्ट कार्यक्रम कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का शुभारंभ सांसद हरि मांझी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सांसद के अलावा वरीय डाक अधीक्षक के साथ विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। औरंगाबाद में चापाकल से पीला पानी निकलता देख पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि पानी भरने जब एक महिला वहां पहुंची तो पंप से बदबूदार पीला पानी निकलने लगा। लोगों ने चापाकल में जहर डालने की आशंका जाहिर की है। सिवान जिले के पपौर दलित टोला गांव में शिक्षकों पर दलित छात्रों ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। जब इसकी जानकारी बच्चों ने परिजनों को दी तो गुस्साए परिजन स्कूल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में भेदभाव के किसी भी आरोप से इनकार कर दिया। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के शांतिनगर मोहल्ले में रहने वाले दलित बस्ती के लोगों ने नहर का पानी घर में घुसने के विरोध में जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और आगजनी की, जमकर बवाल काटा। बाद में जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। राजगीर के गर्म पानी वाले झरने अब सूखने की कगार पर हैं। यहां कुल 22 कुंड और 52 धाराएं हैं जहां पानी गर्म पानी बहता है। मौजूदा समय में गंगा यमुना कुंड, मारकंडे कुंड और शीतल कुंड की गर्म पानी की धारा पूरी तरह सूख चुकी है। नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने अपहृत पैक्स अध्यक्ष पंकज कुमार का शव गड्ढे में पड़ा हुआ देखा। अपराधी बिंद थाना इलाके के रामपुर में एक गड्ढे में फेंककर फरार हो गए थे। फारबिसगंज में पुलिस ने 960 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक बस को जब्त किया है। कफ सिरप पटना से फारबिसगंज लाई जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए बस की छत पर जब तलाशी ली तो प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई। छपरा जिले के डेरनी में हाई वोल्टेज तार गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि दो लोग झुलस गए। मृतक महिला मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। दोनों घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है।
नालंदा में पैक्स अध्यक्ष पंकज कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पहले तो पंकज कुमार का अपहरण किया गया, फिर बुरी तरह ईंट पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल अपहरण और हत्या की वजह क्या थी अभी तक साफ नहीं हो पाई। अपराधी कौन से इसकी जांच पुलिस जुटी है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ट्रक और एक कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। उत्पाद विभाग की टीम ने दो ट्रकों से करीब 500 से ज्यादा कार्टन विदेशी शराब के साथ लग्जरी होंडा कार से 20 कार्टन शराब जब्त की है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई के दौरान ट्रक का चालक और खलासी भागने में कामयाब हो गया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित एक घर से पुलिस ने 2 कार्टन में रखे 200 बोतल शराब जब्त की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के पास स्थित एक नाले से भी 3 कार्टन से रखे 180 ml की विदेशी शराब को जब्त किया है। बीजेपी ऑफिस में झारखंड बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा को पंचायत स्तर तक मजबूती देने पर मंथन हुआ। साथ ही ये भी तय हुआ कि बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड में 1 मार्च से चलो पंचायत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। रांची में जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने शिकायतों की समीक्षा की। अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के आदेश, सुस्ती बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी। होटवार जेल में बंद लालू यादव से मुलाकात का दिन बदल गया है। अब लालू यादव से सोमवार की जगह मंगलवार को मुलाकात होगी। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव जेल में है, इस बीच उनसे मुलाकात करने का तांता लगा रहता है। समस्तीपुर से लालू यादव से मुलाकात के लिए छात्र नेता मंटून कुमार यादव लालू यादव से मुलाकात के बाद बताया कि जेल में लालू यादव का घूमना कम हो गया है, जिस वजह से शुगर बढ़ गई है और उनको नींद ज्यादा आ रही है। जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम को उस वक्त गुस्सा आ गया जब उन्होंने क्षेत्र की सड़कों पर जल जमाव देखा। इसके बाद सीएम ने लोगों को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर आगे से सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी तो घर के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा। महिला रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, रांची हटिया मुरी रेलवे स्टेशन पर लगेगी सैनिटरी नैपकिन की मशीन। सभी जगहों पर खुलेंगे जन औषधि स्टोर खोलने की योजना और सफर के दौरान जरूरी दवाएं भी कम दाम पर मुहैया होंगी। बोकारो में आईटीआई पेपर लीक मामले में कार्रवाई, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज के निदेशक समेत 7 लोग गिरफ्तार। 1,24,000 रुपये समेत 1 लैपटॉप और 16 मोबाइल बरामद। धनबाद पीएमसीएच में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, बच्ची की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने हंगामा बच्ची के पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर किया। परिजनों का कहना है कि बच्ची की स्वाभाविक मौत हुई है, जबकि अस्पताल प्रबंधन बच्ची का शव पोस्टमार्टम के बाद देने की बात कह रहा है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर सेना के जवान से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। जवान से मारपीट करने वाले आरोपी बॉडीगार्ड राकेश कुमार ने सेना के जवान पर हथियार छीनने और मारपीट का आरोप लगाया है। इसको लेकर आरोपी बॉडीगार्ड राकेश ने जीआरपी थाने में आवेदन दिया है। जमशेदपुर में पुलिस से दबंगई देखने को मिली है। पुलिस ने एक दिव्यांग विक्षिप्त युवक को लात और लाठी से पहले पीटा और बाद में घसीटकर थाने ले गई। साक्षी थाना क्षेत्र के डीसी ऑफिस के पास घटना को अंजाम दिया गया। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने नोनी निवासी सचिन जायसवाल नाम के शख्स को गोली मार दी और 3,500 रुपये लूट लिए। घटना घाघरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही। बताया जा रहा है सचिन जायसवाल घाघरा साप्ताहिक हाट में श्रृंगार का सामान बेचने का काम करता है। सिमडेगा के बानों में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 मवेशी तस्कर को नवा टोली गांव के पास से गिरफ्तार किया है। तस्करी के 10 मवेशी भी बरामद किए गए। मवेशी तस्कर सुकरा मुंडा और बुटना मुंडा गेनमेर में हाटिंग होडे ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही दबोच लिया। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के लाटू जंगल के वन भूमि पर अवैध रूप से 7 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। पुलिस को जंगल में अफीम की खेती की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर खेत में उसे नष्ट कर दिया। देवघर के स्थानीय टावर चौक मार्केट पर लोगों ने प्रशासन के अतिक्रमण अभियान के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच नोकझोंक भी होती रही। दरअसल शिवरात्रि पूजा को देखते हुए प्रशासन सड़कों पर अवैध रूप से चल रहे दुकानों को हटाने में जुटा है। कोडरमा जिले में सड़क निर्माण में की गई नियमितता के खिलाफ संवेदक और जेई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल नगर विकास विभाग की ओर से 70 लाख की लागत से झुमरी तिलैया ब्लॉक रोड का काम कराया जा रहा था। गढ़वा के रंका प्रखंड के खरडीहा पंचायत के लोग परेशान हैं। सिलैया गांव के हरिजन टोला में ग्रामीणों की जमीन फॉरेस्ट विभाग ने अपने कब्जे में मिला ली है। ग्रामीणों का कहना है कि 7 पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और यहीं पर खेती का काम कर रहे हैं। लातेहार के सदर प्रखंड के गोवा गांव में अचानक पूरा घर भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में घर के सदस्य बाल बाल बच गए। घटना के वक्त घर के सदस्य खेत में काम कर रहे थे। पीड़ित नरेश सिंह अपने पुराने घर में पिछले कई साल से रह रहा था।
केरल के कोची शिपयार्ड में धमाका हुआ, दम घुटने से 5 लोगों की मौत। कोची शिपयार्ड धमाके में घायल 15 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए, वाटर टैंकर की मरम्मत के दौरान हादसा हुआ। वैलेंटाइंस डे पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने फरमान जारी किया, छात्रों से कहा 14 फरवरी को कैंपस में ना दिखे। प्रॉक्टर ने नोटिस जारी कर माता पिता से कहा बच्चों को यूनिवर्सिटी ना भेजे, विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर वैलेंटाइंस डे मनाते हैं नवयुवक। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नोटिस में लिखा कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है इसलिए कैंपस में ना आए, नियम तोड़ने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा बाहरी लोग कैंपस में आकर उपद्रव ना करें, इसके लिए हमने छुट्टी कर दी। लखनऊ में विधानसभा और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का हंगामा, सदन से वॉकआउट किया। योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा के सीएम माणिक सरकार पर जमकर बरसे, कहा माणिक सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं है। सेना पर मोहन भागवत के बयान पर मायावती को आपत्ति, पूछा स्वयं सेवकों पर इतना भरोसा तो अपनी सुरक्षा में कमांडो क्यों रखे। यूपी के महोबा में जाम खुलवाने गए एसपी पर किसानों का पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली डीएनडी फिलहाल टोल फ्री ही रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में 6 हफ्ते के लिए सुनवाई टली। कोची में मुद्रा लोन से ट्रांसजेंडर तृप्ति की जिंदगी बदली, प्रदर्शनी में लगाया स्टॉल, केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजशेखरन देखने पहुंचे। कराची में फिर जागा मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान, प्रेम का पाकिस्तान में मिलता है प्यार लेकिन भारत में मिलती है नफरत। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मणिशंकर अय्यर ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत ही एकमात्र रास्ता। मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस नेता हनुमंत राव ने कहा अय्यर बहक गए हैं, बकवास कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा उनकी कुछ भी राय हो लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि किस वक्त और कहां वो बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के निलंबित नेता हैं मणिशंकर अय्यर, बयानों को लेकर कई बार विवादों में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकियों की मौत, भारी बर्फबारी के बीच पुलिस से बचने के दौरान बाइक से फिसल कर गिरे। पाकिस्तान में हाफिज सईद को बड़ा झटका, जमात उद दावा आतंकी संगठन घोषित। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए, यूएनएससी के प्रतिबंधित व्यक्तियों और संगठनों पर लगाम लगेगी। दिल्ली में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली, 42 लाख के सोने के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूप नगर में महीने भर पहले अगवा 7 साल के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने साइकिल का लालच देकर किया था किडनैप। आरोपी पड़ोसी ने हत्या के बाद पॉलिथीन में शव को रखकर कमरे में छिपाया था, 15 लाख की फिरौती मांगने का था प्लान। मुंबई से सटे मुंब्रा में एक गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिवसेना विधायक बांडू धनोरकर ने मजदूरों को पीटा, फसलों को नुकसान होता देख खोया आपा। अमीरी के मामले में 12वें स्थान पर मुंबई, कुल संपत्ति 61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर शुरू हुई बर्फबारी, उत्तर भारत के तापमान में गिरावट आई। शिमला में और बर्फबारी हो सकती है, मौसम विभाग ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में फिर बर्फबारी, जवाहर सुरंग बंद, यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के साथ ओले गिरे, फसल को भारी नुकसान, सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार। उत्तर भारत का तापमान गिरा, दिल्ली में 3 डिग्री गिरा पारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्द हवाएं चली। लखनऊ में बारिश के साथ ओले पड़े, तापमान में आई भारी गिरावट। पंजाब के फिरोजपुर में तूफान से बर्बादी, घरों की छतों और गाड़ियों को नुकसान, कई लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नौका दौड़ का आयोजन हुआ, 46 नौकाओं ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में सफाई का बना रिकॉर्ड, 15,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ की सफाई। ऑस्ट्रिया में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक महिला की मौत, 22 लोग घायल।
रूस में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण, रूसी रक्षा विभाग ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। रूस प्लेन हादसे की जांच के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने स्पेशल कमेटी बनाने का आदेश दिया, क्रैश से पहले क्रू के कोई चेतावनी नहीं देने की खबर। रूस में प्लेन हादसे की जांच शुरू, शुरुआती जांच में बताया गया कि प्लेन के नीचे गिरने तक उसमें आग नहीं लगी थी।